स्टूडेंट वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एनी स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्कल। लास्ट हमने करा था इक्वेशन ऑफ सर्कल की फाइंड करी थी। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको मिल जाएगा प्रीवियस लेक्चर, और लास्ट के अंदर आई बटन के ऊपर मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट। तो ये दो चीज़ें आपके लिए रहेगी, ठीक है। आज का टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन है, एनी स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्कल, कि यदि हमें गिवन कुछ दिया होगा तो डैट इज़ गिवन सर्कल। तो गिवन सर्कल के अंदर से हम एक न्यू स्फीयर बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, वो चीज़ ध्यान से देखना। अब जब आप स्फीयर का चैप्टर कर रहे हो और गिवन सर्कल आपके पास कैसा होता है, यार सर्कल हमारे पास क्या होता है, एक आपको स्फीयर दिया होता है प्लस आपको एक प्लेन दी होती है, ठीक है, प्लेन दिया होता है, इन दोनों की इंटरसेक्शन के साथ हमारे पास एक सर्कल बनता है। नाउ अवर टारगेट टू फॉर्म अ न्यू सर्कल, न्यू स्फीयर बनाना जो कि उस सर्कल के अंदर से पास करेगा। मीन एक आपका स्फीयर है, आप उसको प्लेन से कट करें, जब उसकी इंटरसेक्शन आ जाएगी जो स्फीयर वहां पर सर्कल बनेगा उस सर्कल से पास होता है एक और न्यू स्फीयर हमने बनाना है, और कैसे बनाएंगे वो चीज़ ध्यान से देखना, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो टॉपिक हमारे पास क्या है कि प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर, प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर थ्रू द सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर दिस वन एंड द प्लेन इज दिस वन। अब ध्यान से देखना हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई है डियर। उसने बोल दिया कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर, हम स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं थ्रू द सर्कल। अब सर्कल कैसे बनता है, इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर से बनेगा, ठीक है। और ये हमने स्फीयर कौन सा लिया हुआ है, जनरल स्फीयर हमने यहां पर लिया हुआ है, जनरल एक स्फीयर, ठीक है, एंड एक हमने जनरल जो हमारे पास होता है प्लेन, ये दो हमारे पास। इस स्फीयर एंड इस प्लेन की इंटरसेक्शन के साथ जो सर्कल बनेगा उससे पास करता हुआ जो स्फीयर आ रहा है उसकी इक्वेशन कुछ ऐसे होती है, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो डियर इसका प्रूव मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, इसके अंदर खाली आपको समझा दूंगा कैसे समझाना, वो चीज़ ध्यान से देखेंगे, ठीक है हम लोग। अब ये हमारे पास लाइन्स कुछ मैंने लिख कर आपको बताया हुआ है। अब बोल रहा कि यार अब देखो इसको लिखने का वे क्या है, एक तरह से आपका जो गिवन स्फीयर है ना, ये देखो उसको लिख लिया हमने यहाँ पर, ये आपका गिवन स्फीयर की इक्वेशन होगी और ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन रहती है। बस दोनों को ज्वाइन करवा देना, साथ में के लगा देना, के इज एनी कांस्टेंट है। देखो पहले वाला जो आपके पास स्फीयर आता है उसको इक्वल टू जीरो करके जो भी उसका लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आता है, प्लस जो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है इक्वल टू जीरो रखनी है, ठीक है, मतलब इधर इधर जीरो रहना चाहिए, उसको कैसे मल्टीप्लाई करके दोनों को एडजस्ट करो। अब क्या जो स्फीयर होगा, अब ध्यान से देखो, अब इसके अंदर जो आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है, जहां पर हमारे पास एक्स है, वाई है और जेड है, इधर भी हमारे पास स्मॉल एक्स है, स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड है, और जी डी हमारा कॉन्स्टेंट है, और किसी के से मल्टीप्लाई कर रखा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री मैंने आपको दिखाई है, ऊपर स्फीयर वन था, प्लेन आपका टू था, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर थ्री, ये हमारे पास सेकंड डिग्री की है, साथ ही में इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट और जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास डियर क्या, तीनों के तीनों सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर तीनों के तीनों सेम है, दैट इज वन। एंड इसके अंदर जब आप के को ओपन भी कर देंगे तो यार आपका जहां पर एक एक्स बन रहा है, यहां पर एक खाली एक्स बन रहा है, ठीक है, तो आप एक्स को कॉमन निकाल कर लिख सकते हो टू यू प्लस के ए, एंड फिर आपके पास टू वी प्लस के वी आ सकते हैं इनटू वाई कोएफिशिएंट। मेन जो हम मेनली बात करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो टर्म्स है वो सेकंड डिग्री वाली रहेगी, और सिंपल जो हमारे पास एक्स वाली टर्म है, वाई वाली टर्म और जेड वाली टर्म रहेगी। इसके अंदर कहीं पर भी आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगी किसकी, प्रोडक्ट वाली जो टर्म होती है हमारे पास, एक्स वाई हो गया, जहाँ फिर वाई जेड हो गया, जहाँ फिर जेड एक्स है, वैसे किसी भी टर्म की हमें यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगी डियर। अब हमारे पास एक ऐसी सेकेंड डिग्री क्वेश्चन जिसके अंदर आपके पास मिक्सिंग टर्म नहीं होती, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, दैट रिप्रेजेंट द स्फीयर, इसका मीनिंग जो थर्ड इक्वेशन होगी वो हमारा स्फीयर होगा, ठीक है। ये तो एक चीज़ होगी कि यार सिंपल स्फीयर लिख दो इक्वल जीरो, पहले तो जो आपको गिवन स्फीयर है, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, चलो फिर डिस्कस करते हैं। अगेन इसके बाद देखो जो हमारा कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट विच सेटिस्फाई बोथ वन एंड टू, वन मीन गिवन स्फीयर एंड गिवन प्लेन को जो पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं एक साथ, वो सारे के सारे क्वेश्चन नंबर थ्री को भी सेटिस्फाई करेंगे। आई एम रिपीटिंग, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट विच सेटिस्फाई बोथ ए एंड बी, मतलब वन एंड टू को करेंगे, वो थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, वो थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। रीजन क्या है, बिकॉज थर्ड इक्वेशन इन दोनों की कंबिनेशन से तो ही बनी है, ये आपका पहले वाला है, ये हमारा सेकेंड वाला है, दोनों को कंबाइन करा है, तो जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर सेटिस्फाई करते थे वो यहाँ पर भी सेटिस्फाई ही करेंगे। अब सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या रहता है, कि यदि हम हमारा x1, y1, z1 कुछ एक ऐसी वैल्यू हम जहाँ पर निकाल सकते हैं, लाइक यार मैं जहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, मान लो जी हमारा अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई करा, आपके स्फीयर को भी करो प्लेन को भी करा,
इसका मीनिंग जैसे आप जहाँ पर अल्फा बीटा गामा करेंगे तो आपका इधर जीरो बन जाएगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो इधर भी जीरो हो जाएगा। अब जीरो प्लस के इंटू जीरो आपका जीरो ही रहेगा, इसका मीनिंग वो थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर जाएगा, वो थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। वो ध्यान देना, नहीं समझ लगा तो मेरे से पूछ लेना, फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे। अब उसका मीनिंग क्या होता है, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर वन एंड प्लेन टू लाई ऑन द स्फीयर थ्री, इसका मीनिंग जो हमारा थर्ड स्फीयर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपका पॉइंट ऑफ, जो हमने बोला कि यार स्फीयर को भी सेटिस्फाई करते हैं, पॉइंट प्लेन को भी करते हैं, वो पॉइंट होंगे जो कॉमन होंगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे दोनों के, जो सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, लेकिन वो तीसरे स्फीयर के ऊपर भी लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर जो थर्ड इक्वेशन हमारे पास होगी, ऑफ एनी स्फीयर थ्रू द सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर वन एंड टू, ठीक है, स्फीयर वन एंड प्लेन टू हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर द थर्ड इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर। अब इसके ऊपर ना एक अनमेरिकल करेंगे, फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि यार क्वेश्चन है क्या, एक्चुअल के अंदर समझाना क्या चाहते हैं, ठीक है हमें। आई वॉन्ट टू ट्राई कि यार मैं आपको थोड़ा सा इसका बेस्ट पार्ट दे पाऊँ। जैसे मान लो कुछ हमारा ऐसा एक स्फीयर है, ठीक है, कुछ हमने ऐसा एक स्फीयर कर लिया, ठीक है, फिर जहाँ पर एक हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं यार इसका, एक मिनट देना मेरे को, कुछ आपको दिखाना चाहूँगा। इसका जो आप मतलब किसी प्लेन के साथ यदि बनाएंगे तो कुछ ऐसा सर्कल टाइप बन जाएगा इसके अंदर, कुछ ऐसा सर्कल टाइप बन जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा। अब हमने एक न्यू स्फीयर बनाना है। अब ये जो आपका बना ना, ये कुछ किसी प्लेन की हेल्प के साथ बनेगा, ये जो सर्कल बना रहा है ना, ये किसी प्लेन की हेल्प के साथ ही बनेगा, कुछ डायग्राम ऐसी बन जाएंगे, ठीक है। अब ये डायग्राम प्रॉपर तो नहीं सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लगेगा। अब जो आपने स्फीयर बनाना वो इस सर्कल से पास करना चाहिए आपका, कुछ इस तरह से होना चाहिए। इसको मैं उठा तो नहीं सकता, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। हाँ, इस जो जो हमारे पास बना हुआ है ना, इसके अंदर से हमारा वो सर्कल पास करना चाहिएगा, ठीक है। इसके अंदर आपका कुछ ऐसा स्फीयर वो आ जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा स्फीयर है जो कि सर्कल से पास करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, कहीं ना कहीं पॉइंट उसके ऊपर लाई करेंगे, कुछ ये वे होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया इसका। अब वापस चलते हैं, आपको न्यूमेरिकल के तरफ लेकर चलते हैं। आज का पहला जो न्यूमेरिकल रहेगा हमारे पास, पहली जो प्रॉब्लम रहेगी उसके ऊपर फोकस करते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द सर्कल। अब जब सर्कल बोलेंगे तो आपको एक स्फीयर दिया होगा जेंटलमैन, आपको एक क्या दिया होगा, प्लेन दिया होगा, ठीक है स्टूडेंट। एक स्फीयर होगा, एक प्लेन होगा, इन दोनों को जब कंबाइन लिखते हैं, एक तरफ साथ लिखते हैं, तो इसको हम सर्कल बोलते हैं। हमने वो स्फीयर निकालना जो इस सर्कल से पास करे एंड इस पॉइंट से पास करे। किस पॉइंट से पास करता हूँ, 1, 2, 3, सिंपल सा फंडा। डियर आपने ऊपर वाला जो लॉजिक देखा है उसी लॉजिक हम जहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो हम जहाँ पर लिख देंगे कि हमें पता है कि कोई भी स्फीयर जो होता है थ्रू द गिवन सर्कल, वो कैसे लिखेंगे। अब देखो ना आपका यहाँ पर क्या है, इसके अंदर ना ये 9 इधर है, तो इसको आप दूसरी तरफ लेकर चलो, मीनिंग जहाँ पर मैं अभी चेंज कर देता हूँ ब्लैक पेन के साथ, आपको पता चलेगा। तो -9 इज इक्वल टू 0 कर लेना। इस वाली प्लेन के अंदर भी आपने क्या करना है, ये 5 को दूसरी तरफ लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर आपने -5 कर लेना, इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू रखना। अब जब आपका जो पहले वाला पूरा फैक्टर हो गया, इसको ब्रैकेट में डाल दो, इसको ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। तो एनी स्फीयर थ्रू द गिवन सर्कल इज, तो ये आपका स्फीयर का इक्वेशन हो गया, प्लस सम कांस्टेंट के यूज करेंगे, ये पूरे का पूरा प्लेन का हो गया, इज इक्वल टू 0 रख देना, और इसको हमने नंबर 1 कर लिया। वैसे तो ये हमारा 1, 2, 1, 3 होता है, लेकिन इसके अंदर हमने इसको 1 कर लिया, तो इट इज द रिक्वायर्ड स्फीयर। लेकिन अब जो स्फीयर तब तक आपका कंप्लीट नहीं है जब तक आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। डियर प्यासी स्माइल कहां पर गई, आज तो वो डालेंगे हम भूल गए। जिस फेयर की क्वेश्चन तब तक कंप्लीट नहीं जब तक आप इस के की वैल्यू को नहीं निकाल पाते। कौन से के की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर आपके लिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। इस कांस्टेंट को निकालो, फाइंड करो इसकी वैल्यू और वापस से पुट करो, फिर प्रॉपर फेयर देना। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन तो चाहिए, तो माई डियर फेवरेट टॉपर्स, ये कंडीशन हमें दी हुई है कि यार इस पॉइंट के अंदर से फेयर पास कर रहा है। कौन सा, ये जो न्यू फेयर है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, दैट्स द हैप्पी एंडिंग, हैप्पी स्टार्टिंग। तो हम लिखेंगे कि सिंस दिस जो स्फीयर है वो पास कर रहा है 1, 2, 3 से, है ना, तो आप एक्स की वैल्यू 1, वाई की 2 एंड जेड की 3 वैल्यू पुट कर दो, आंख बंद करके पुट कर दो इसके अंदर जहां जहां पर दिखाई दे रहा। तो पहले वाले के अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा प्लस के इंटू समथिंग, लाइक आप सॉल्व करें तो 5 प्लस के इंटू 15 0 हो जाएगा, 15 के इज इक्वल टू -5 और के की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। एंड हमने जैसे ये वैल्यू फाइंड आउट करी, वापस इक्वेशन नंबर अंदर पुट कर देंगे के की वैल्यू जो कि -1/3 है, एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू -1/3 हमने 1 इक्वेशन के अंदर कर दी,
अब यहाँ पर देखो जी, मैंने यहाँ पर की था तो -1/3 कर दी। अब यहाँ पर 3 के एलसीएम होंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर पूरे के नीचे 3 आ जाएगा, और वो जो नीचे वाला 3 है तो उसको आप राइट हैंड साइड सेंड कर सकते हो तो वो 0 हो जाएगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमिनेटर होगा डिनोमिनेटर 0 है, एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल कि यार इफ द न्यूमिनेटर 0 होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर नेवर भी 0, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। ये चीज़ समझ में आई? अदरवाइज हमें तो पता ही है कि यार इस 3 को एलसीएम ले लिया, जैसे एलसीएम लिया तो अपने हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3x² 3y² 3z² -k 27 आने थे, और इधर -1 को इस ब्रैकेट के अंदर लेकर जाओ तो जिसने -2x कर दिया, -3y कर दिया, -4z और प्लस का 5 और इज इक्वल टू 0। जो डियर डिनोमिनेटर के अंदर 3 था वो आप ऐसे सोच सकते हो कि यार इसके आफ्टर टेंगे एलसीएम हम इसको राइट साइड के अंदर जैसे सेंड करेंगे तो 0 × something 0 हो जाएगा। अब इसके अंदर थोड़ी सेटिंग करनी है तो कर लो, ज़्यादा कुछ सेटिंग है नहीं हमारे पास करने के लिए, लेकिन ये जो आपके पास कॉन्स्टेंट बस इसकी सेटिंग करनी है, ये एक -27 है, एक प्लस का 5 है, तो -22 आ जाएगा, बाकी सारी इक्वेशन एज इट रहेगी। और इट इज़ अ सेकेंड डिग्री है जिसके अंदर x² y² z² के कॉफिशेंट सेम है, सिंपल एक्स वाई और जेड की वैल्यू कोई भी मिसिंग जो हमारे पास होती है, मिक्सिंग जिसको हम कहते हैं, मिसिंग नहीं मिक्सिंग, ठीक है, जो हमारे पास होती है एक्स वाई वाली टर्म या वाई जेड की टर्म या फिर जेड एक्स की ऐसी वैसी कोई भी टर्म इसके अंदर नहीं है, तो जस्ट वी कैन सी दैट कि यार इट इज अ स्फीयर। तो हैप्पी एंडिंग, देखो कितना छोटा सा सम था। अब देखो एक और एग्जाम्पल करेंगे इसके अंदर और क्लैरिटी करेंगे, ये तो हमारा हो गया बस कम खत्म, सर इतना था, हाँ इतना ही था। अब एक और कर लेते हैं, अब इसको मैंने प्रॉपर सॉल्व नहीं करा लेकिन आपको समझा दूंगा करना कैसे है। इसके अंदर सिर्फ वही फंडा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर करो जो कि पास करा थ्रू द सर्कल, सर्कल के अंदर हम एक स्फीयर दिया हुआ है और एक हमें प्लेन दिया हुआ है, लेकिन इसने बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द, एक तो थ्रू द सर्कल आ गया एंड दूसरा आ गया एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एक और स्फीयर दिया हुआ है, इस स्फीयर का आप सेंटर निकाल लेना, उस सेंटर से पास करेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे अभी मैं आपको लाइव सॉल्व करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा लिखेंगे, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड जो हमारे पास होगा स्फीयर वो कैसा होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड आपके पास स्फीयर विल बी, आपका ये जो स्फीयर है इसको उठा लो और यहाँ पर लिख लो x² + y² + z² + 2x + 3y + 6 है प्लस के इंटू आपकी प्लेन की इक्वेशन चल जाएगी जो कि x - 2y है प्लस 4z है माइनस का 9 है इज इक्वल टू 0, इसको नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है, इसको नंबर 1 कर लेते हैं, इतना हो गया। अब देखो ध्यान से, अब देखो आगे कैसे करना होता है, अब हमने इसका सेंटर निकालना, बिकॉज हमारा टारगेट है के की वैल्यू निकालना, के की वैल्यू के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन दे होनी चाहिए कि यार ये जो रिक्वायर्ड स्क्वायर है कहीं ना कहीं से पास करेगा अलग से, और अब की बार उसने बोल दिया कि जे वाला स्फीयर इस दिए हुए स्फीयर के सेंटर से पास कर रहा है, तो सेंटर को तो निकालना हमें आता है बाबूजी, कैसे निकालेंगे दिखा देते हैं अभी। अब इसको मैं उठाने वाला हूँ, देखो यार कन्फ्यूज मत करना, ठीक है, मैं थोड़ा सा भी टाइम बचा रहा हूँ, तो इसको आपने लिख लेना कि दिस इज द गिवन स्फीयर। अब इसके अंदर जो एक्स का कॉफिशेंट होता है वो होता है 2u, तो इसकी वैल्यू -2 आ रही है, जो वाई का कॉफिशेंट होता है उसको हम 2v लिख देते हैं, जनरल के अंदर 4 आ रहा है, और जो जेड का होता है उसको 2w होता है -6, तो u की वैल्यू आपके पास आफ्टर डिवाइडिंग -1 आ जाएगी, v की वैल्यू +2 आ जाएगी, w की वैल्यू -3 आ जाएगी, ठीक है, तो जो सेंटर होता है हमारे पास, तो देयरफॉर जो हमारे पास सेंटर आएगा वो था -u -b - -w, दैट इज प्लस का 1 -k 2 एंड प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप एडजस्ट कर लेना माइनस साइन। इसका मीनिंग हमारा ये जो स्फीयर 1 है ना, तो देयरफॉर आप लिखोगे कि यार स्फीयर जो हमारे पास 1 है वो पास करेगा, पासिस थ्रू दिस पॉइंट, किस पॉइंट के अंदर से, आपका 1 -2 और 3 के अंदर से पास करेगा, तो आप क्या करोगे राजे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू 3, इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देना, ठीक है, जहाँ पर भी आपको x, y, z दिखता है वहाँ पर पुट कर लेना, फिर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास k की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, एंड उस k की वैल्यू को वापस इसी क्वेश्चन में सॉल्व पुट कर देना, सिंप्लीफाई करना, यू विल गेट योर फाइनल आंसर, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। मैं जहाँ पर बताना चाहूँगा, यदि आप इसको करेक्ट करते तो आपके पास k की वैल्यू -2 आनी चाहिए, ठीक है, आंसर ये आपका होना चाहिए k = -2, एंड जो आपका फाइनल आंसर होगा, यार मैच करना जी, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, फाइनल आंसर आपका इस क्वेश्चन का x² मैंने करके रखा हुआ, x² y² z² है, प्लस 7 का y आना चाहिए, -k 8z और प्लस का 24 = 0, कुछ ऐसा आपका आंसर आ जाएगा यदि आपका k की वैल्यू -2 आ रही है।
एंड के की वैल्यू -2 आपकी 100% आएगी बिकॉज यू आर अ ब्रिलियंट वन, ठीक है, आप ब्रिलियंट हो, मिस्टेक मिस्टेक करते नहीं हो, पूरा एक्टिव रहते हो, डेडिकेशन के साथ पढ़ते हो, ठीक है। तो ऐसे ही लाइफ के अंदर बढ़ते चले जाओ, मेहनत करते चले जाओ, हमारे चैनल को भी साथ में लेकर चलते जाना, ठीक है। आज ये आपका एनालिसिस एनालिटिक ज्योमेट्री हो गया, हमारी सॉलिड ज्योमेट्री होगी, उसके अंदर आपको स्फीयर मिल जाता है। तो जो स्फीयर का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है अपने आप में, पूरी बेटीज है इसकी, तो हम इसको कंप्लीट करने की और बढ़ रहे हैं। हमारा 15 लेक्चर रहेगा, हमने हर एक एक्सरसाइज के अंदर से हर एक आर्टिकल को पकड़ने की कोशिश करें हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम सॉल्व और अनसॉल्व जो भी आपको मिलती है मेरे को, मैं सभी आपको करवाने की कोशिश कराऊँ। एक और क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे और अपने माइंड के कंसेप्ट को और पॉलिश करने की कोशिश करते हैं। अरे वाह, कितनी बड़ी डायग्राम स्टेटमेंट है। अब इसके अंदर डियर देखो क्या है कि शो दैट कि इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग इट्स सेंटर ऑन द प्लेन, इस प्लेन के ऊपर, एंड पासिंग थ्रू द सर्कल विद इक्वेशन जे एक स्फीयर है, जे एक स्फीयर है, और हमने जे हमारा फाइनल आंसर है, दिस इज द फाइनल आंसर इज, बिकॉज उसने यहां पर इज बोल दिया, इज मीन ये आपका आंसर होगा। फिर से ध्यान से सुनो, इसका मीनिंग कहने का क्या बात है कि आप एक ऐसा स्फीयर निकालो जो कि इन दो स्फीयर नंबर 1 और 2 के अंदर से पास करता होगा, 1 और 2 के अंदर से पास करना होगा। यदि हम 1 और 2 के अंदर से पास करता है एक स्फीयर निकालते हो, फिर उस स्फीयर का जो भी आप निकालते हो यार, उसका जो सेंटर होगा वो आपके इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा, वहां से कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, वापस पुट करेंगे, हमारा फाइनल आंसर होगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर, हमारी आंखों के सामने लिखा हुआ, और ये मुस्कुरा रहा है और बोल रहा है कि यार आओ मेरे तक पहुंच कर दिखाओ। यदि है हिम्मत, यदि है स्टेटमेंट को सुनने की, तो मेरे आंसर बोल रहा है कि यार आओ और क्रिएट मी, है ना, मेरे को बनाकर दिखाओ गिवन डाटा से, एंड वी आर वेरी इंटेलिजेंट। तो हमें स्टेटमेंट तो समझ लग चुकी है, तो हम करने की कोशिश करते हैं। और इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर जो आई बटन के ऊपर मिलते हैं उनके अंदर से, हमने आज से 2 या 3 दिन पहले एक टॉपिक करा था इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, वहां पर मैंने एक बात बताई थी कि जब भी हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर करते हैं, जब आप उनको एक दूसरे से माइनस करते तो आपके पास एक प्लेन आ जाता है। अब जहां पर क्या बात है कि उसने सर्कल की बात करी है, और सर्कल आपका तभी होगा यदि आपके पास एक स्फीयर और एक प्लेन होना चाहिए। तो प्लेन आप कैसे निकाल सकते हो, दो स्फीयर की सब्ट्रैक्शन कर दो। यहां पर देखो, सबसे पहले आंसर के अंदर मैं आपको हल्का हल्का दिखाना चाहता हूं कि इसके आंसर के अंदर हम लाइंस को कैसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जे हमने 1 कर लिया, नंबर 2 कर लिया, तो ये चीज ध्यान से रखो कि हमारे पास जो इक्वेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, द इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर थ्रू द सर्कल, हमने सर्कल करना है, ठीक है, थ्रू द सर्कल। अब सर्कल आपका S0 एंड S-0 बोल रहा है, इसको आप यदि S कर लेते हो, इसको आप S- कर लो ना, इक्वेशन डैश। अब इसके अंदर यदि आप करना चाहते हो तो यार कैसे होगा, अब जहाँ पर हमें पता कि S आ जाता प्लस की, अब K के साथ प्लेन की इक्वेशन आती, लेकिन जहाँ पर आप S-S- कर देना इज इक्वल टू 0, ये आपका स्फीयर ही रहेगा। लेकिन जब आप दो स्फीयर को आपस में माइनस करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर वाली, वाई स्क्वायर वाली, जेड स्क्वायर वाली टर्म फिनिश हो जाएगी बहुत प्यार से, और सिर्फ एक्स वाई जेड के अंदर ही आंसर बचेगा, एंड दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। पहले वाला स्फीयर ही है, S-S' प्लेन है, अब स्फीयर प्लस के इन टू प्लेन करें तो आपका वो स्फीयर एंड प्लेन मिलकर तो सर्कल ही बनेगा। उस सर्कल से पास करती है स्फीयर की इक्वेशन, इस फॉर्मेट से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, जिन बच्चों को नहीं आता वो प्लीज़ कंटिन्यूटी बनाए रखें। तो सबसे पहले मैं इसको चलो रख देता हूँ, किसी को समझ में आ गया होगा, किसको नहीं आ गया होगा। तो सबसे पहले आपके पास जब भी दो स्फीयर होंगे तो आप यार उनको माइनस माइनस कर लो, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यार मान लो कि मैंने 1-2 करा, ठीक है, जैसे आप 1-2 करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से आपके लिए लिखना चाहूँगा मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम कितना लग रहा है। हमारे पास एक्स स्क्वायर है 1 के अंदर, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, माइनस का 2x है, माइनस का 3y है, प्लस का 4z है, प्लस का 8 = 0 है, ठीक है। और दूसरे के अंदर एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, माइनस का 4x सॉरी प्लस का 4x है, एंड प्लस ही का हमारे पास 5y है, माइनस का 6z है, एंड प्लस का हमारे पास 2 = 0 है। यार इनके पॉइंट क्या करोगे आप, 1-2 करें तो नीचे वाले के साइन चेंज कर दो सारे के, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगी और माइनस आ जाएगा।
डियर इसको जैसे हम सॉल्व करने की और बढ़ेंगे तो हमारे पास ये पहले से पहला कैंसिल हो गया, जी टाटा वाई वाई हो चुकी है। इधर आपका माइनस का 6 बन रहा है और माइनस के 8 वाई बन रहे हैं और प्लस के 10 जेड बन रहे हैं और हमारे पास प्लस के 6 इज इक्वल टू 0 बन रही है। तो ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन बन रही है, ठीक है। अब प्लेन आ चुका है, स्फीयर आप एक उठा लो तो आपके पास देयरफॉर जो स्फीयर होगा ना, इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द, मैंने आपके लिए प्रॉपर करा हूँ, देयरफॉर यहाँ पर इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्कल इज। अब जहां पर क्या करो, आप प्लेन पहले वाला उठा लो, स्फीयर पहला उठाना, दूसरा उठाना। जब भी कोई भी आप स्फीयर उठाएंगे और उसकी प्लेन के साथ इंटरसेक्शन तो सेम ही आएगी, ठीक है, आपके पास, बिकॉज प्लेन हमने दोनों की हेल्प से निकाला है। तो वो आपके पास यहाँ पर आप लिख रहे हो, पहले वाला मैं स्फीयर लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, माइनस का 2x है, माइनस का 3y है, प्लस का 4z है, प्लस का 8 है, फिर प्लस के इंटू आप प्लेन लिखोगे, माइनस का 6x है, माइनस का 8y है, प्लस का 10z है और प्लस का 6 है इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लेन की इक्वेशन हो गई इज इक्वल टू 0, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो स्फीयर आ गया, इसके अंदर आपको क्या करना है यार, के की वैल्यू निकालनी, लेकिन हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें तो कोई खास कंडीशन नहीं दी हुई, तो वापस जाकर कंडीशन को ढूंढते हैं। उसने बोला था कि जो भी आपके पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर आएगी हैविंग इट्स सेंटर, उसका कोई ना कोई सेंटर रहेगा और वो सेंटर ऑन द प्लेन लाई करेगा इस प्लेन के ऊपर, अरे वाह, एक प्लेन भी दे रखा है, उस प्लेन के ऊपर आपने निकालना। और सेंटर हमारे पास कैसे निकालते हो वो चीज़ समझो। अब सेंटर निकालने के लिए आपको थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, जहाँ से देखो ध्यान से, बिकॉज उसके लिए हमें एक्स का ऑप्शन, वाई का ऑप्शन और जेड का ऑप्शन चाहिए होता, तो ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ पर भी एक्स और इधर भी आपका एक्स है, तो ये क्या बचेगा यार, प्लस बाहर लिख लो तो माइनस का 2 बचेगा, उधर से माइनस 6 के आ जाएगा, ये आपका एक्स हो गया, ठीक है। फिर इधर माइनस 3 है और उधर से हमारा माइनस का 8 के आ जाएगा, बाई कॉमन निकाल दिया। इधर हमारे पास 4 है, उधर से हमारे पास 10 के आ जाएगा इंटू जेड, और इधर हमारा 8 है और उधर से हमारे पास आ जाएगा प्लस का 6k इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कुछ और है, ये प्लेन हमारा स्फीयर है। तो देखो फिर सेंटर हमारे पास क्या होगा यार, सेंटर आपके पास क्या होता है डियर, ध्यान से देखो, माइनस लगाना होता है, आपने कॉफिशियंट ऑफ एक्स लिंक लिख दो, माइनस 2 माइनस 6k और ओवर 2 लगा दो, कॉमा माइनस बी, बी हमारे पास क्या होता है, हाफ इंटू कॉफिशियंट ऑफ वाई होता है, बी हमारा हाफ इंटू कॉफिशियंट ऑफ वाई। ये आप जा रख सकते हो कि जो आप जू भी डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं, वैसे ही जो वैल्यू आनी थी कि आपने इसको यहाँ रखना था इज इक्वल टू, इसको आप रखना था इज इक्वल टू, आपने 2 जू रखना था, वहाँ से जू की वैल्यू 2 से इधर आकर डिवाइड करेंगे, बार माइनस लगाएंगे तो वो सेम ही आ रहा। इधर आपके पास जहाँ पर आ जाएगी यार, आपने क्या करना था, माइनस कॉफिशियंट ऑफ वाई, मैं बोल रहा हूँ माइनस लिखना बाहर, देन कॉफिशियंट ऑफ वाई माइनस 3 माइनस 8 के ओवर 2, मतलब हाफ लेना होता है, कॉमा फिर माइनस लगाएंगे, कॉफिशियंट ऑफ जो आपके पास जेड आ रहा 4 प्लस 10 के आ रहा ओवर आपने 2 करना, तो ये हमारा सेंटर बन रहा है किसका, स्फीयर का, रिक्वायर्ड स्फीयर का, ठीक है। सिंस इट लाइज ये हमारा लाइज कर रहा है किसके ऊपर यार, ऑन द प्लेन। अब ये प्लेन आपको पहले से दे रखा था, कौन सा प्लेन है, एक हमारे पास 4x है, माइनस का 5y है, माइनस का z इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर आप पुट कर दो इसका मीनिंग 4 इंटू जे यार, माइनस को मैं अंदर सेट कर रहा हूँ तो ये दोनों को प्लस कर देगा, 2 प्लस 6k आ जाएगा, ओवर मेरे पास 2 पहले से ही है, फिर माइनस का 5 है, इधर भी माइनस को अंदर ही सेट कर रहा हूँ तो ये 3 प्लस 8k आ जाएगा, नीचे मेरे पास 2 ही रहेंगे, और इधर हमारे पास ये पहला माइनस है ना, तो ऊपर वाले माइनस को बाहर ही सेट करवा दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास 4 प्लस 10k ओवर 2 आंसर आ जाएगा और इज इक्वल टू ये 3 है प्लेन की इक्वेशन। सबसे पहले नीचे तीनों के नीचे 2 आ रहा है ना, जो नीचे 2 आ रहा सभी का, इसका एल्सियम 2 ही आएगा, तो इसको दूसरी तरफ सेंड कर दो, एंड हियर इन दिस साइड ओपन द ब्रैकेट, तो आपके पास 8 आ जाएगा एंड 24k आ जाएगी, माइनस के 15 आ जाएगी, माइनस का 40k आ जाएगा, प्लस आपका 4 आ जाएगा, प्लस 10k दूसरी तरफ जाकर आपका 3 × 2 = 6 हो जाएगा, डन। अब जहाँ से आपका 24 और जहाँ से -16 आ जाएंगे तो माइनस के 6k बच रही है, आप करके दिख लेना, ठीक है। और जहाँ से आपका 15 है और माइनस के 11 तो प्लस के 3 करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, दूसरी तरफ आपके पास 6 रहेगा, ठीक है। और ये जहाँ से आपके पास -6k इज इक्वल टू जे 6 प्लस 3 आपका 9 हो जाना चाहिए, और k की वैल्यू 9 ओवर -6 दैट इज आपके पास -3/2 आनी चाहिए, एंड इट इज़ द राइट वैल्यू डियर। अब इसके आगे का सफ़र, इसके आगे की जर्नी आप लोगों ने खुद से तय करनी है, तो आप इस k की वैल्यू जो आपकी आपके पास अभी आ रही है ना, इस k की वैल्यू को डियर आप क्या करते हो ना,
इसको आप यहाँ पर पुट करवा देना, इसको आप जहाँ पर के की वैल्यू को कहाँ पर पुट करवाओगे, इसके अंदर करवाना है, इसके अंदर करवा लो या फिर इसके अंदर करवा लो, किसी भी अंदर, मतलब वन के अंदर करना होता है तो आप इसके अंदर करवा के उसको सॉल्व कर लेना। इसको यदि हम थ्री को स्टार दे देते हैं तो आपने जो भी के की वैल्यू -3/2 है उसको वापस स्टार के अंदर पुट करेंगे, टेकिंग द एलसीएम एंड सिंप्लीफाई दैट एंड यू विल गेट यूर आंसर। जो कि आंसर हमें दिया ही हुआ है आपका ऊपर, वो आंसर आपको मिल जाएगा, जी आंसर आपने देना है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस लेक्चर के अंदर डियर आप इसको जब हम कर रहे थे तो पॉज करके साथ साथ में करते रहना, समटाइम्स कुछ टॉपिक इधर उधर हो जाते हैं तो प्लीज़ उनको आप क्या करोगे स्टॉप करके उनको कर लेना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस कि यार जी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपको पता कि यार सफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम्स, इसको बहुत ध्यान से करो। इसके अंदर तीन मैंने डिफरेंट क्वेश्चन करे हैं, तीनों के तीनों सुपर है, ठीक है। एग्जाम्पल एक पूरा पैटर्न सेट हो जाता है कि आपका गिवन सर्कल के थ्रू दिस स्फीयर फाइंड करते हैं, तो तीन तरह के क्वेश्चन करें, एक डायरेक्ट किसी पॉइंट से पास करा था, दूसरा सेंटर ऑफ गिवन स्फीयर से पास करा था, तीसरा कि जो आप निकालना चाहते हो वो सर दो स्फीयर के सर्कल से पास करा था, तो पहले उन्हें वहां से थोड़ी माइंड यूज करा और इक्वेशन फॉर्म करी। आफ्टर दैट क्या करा यार कि उसके बाद हमने हमारे रिक्वायर्ड स्फीयर की इक्वेशन बना ली। अब इसके अंदर इसका जो सेंटर है वो गिवन प्लेन के ऊपर लाई करवा दिया और वहां से हमने के की वैल्यू निकाली। तो के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकालने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स रहते हैं, उन्हीं के ऊपर ये काम करने की कोशिश कर रहे थे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ एक ईमानदारी से नीचे कमेंट कर देना सेक्शन, ठीक है, जिस जो भी हमारे पास कमेंट सेक्शन आता है। चैनल को क्या कहते हैं सब्सक्राइब नहीं करा, मैंने पहले नहीं बोला था ना, लेकिन अब बोल रहा हूँ। यदि आप जहाँ तक आ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, अपने घर पर जितने फ़ोन है सबके अंदर सब्सक्राइब कर दो। मजाक कर रहा हूँ, अपने क्लासमेट से इनको शेयर कर देना कि पढ़ना है एनालिटिक, आपके पास ज्योमेट्री है या फिर सॉलिड ज्योमेट्री है या फिर स्फीयर, तो हम लोग मिलकर पढ़ेंगे कमल सर से। बिकॉज यदि आप मिलकर यूनिट में आएंगे यू कैन रिक्वेस्ट मी, यू कैन की सजेस्ट मी कि सर इसके ऊपर वीडियोज़ बना दो, तो आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैम। थैंक यू, गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर।